हेलो दोस्तों, एम के अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए वापस से एक आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का न्यू वीडियो लेकर के आया हूं। और दोस्तों, इसमें हम बात करने वाले हैं जियोग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी की कट ऑफ के बारे में। और दोस्तों, ये जो कट ऑफ है वो इंटरव्यू के लिए होगी, यानी कि दोस्तों इंटरव्यू के लिए मिनिमम कितने मार्क्स आपको लाने होंगे, तब जा करके आपका इंटरव्यू में यहाँ पर जो है नंबर आएगा। और दोस्तों, पिछले एग्ज़ाम के और इस एग्ज़ाम के दोनों में कंपैरिजन करके ही मैं आपको बताने वाला हूँ। दोनों के ऑफिशियल जो नोटिस है वो मेरे पास है, वो मैं आपको यहाँ पे आगे बताने वाला हूँ और ऑफिशियल ही कट ऑफ आपको यहाँ पर बताई जाएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं वीडियो की। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों उस पर आपको आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की पल पल की जो अपडेट है वो दी जा रही है। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का यहाँ पर पिछली बार का जो नोटिफिकेशन है 2020 का, वो आपके सामने है। इसमें दोस्तों, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ आपको दोस्तों, यहाँ पर इसकी जो पोस्ट हैं वो आपको पहले बता दूँ कि पिछली बार जो जियोग्राफी है यानी कि भूगोल, उसमें 48 पोस्टें आई थी और हिस्ट्री में 50 पोस्टें थी, और जो पॉलिटी है उसमें लगभग 57 यानी कि 57 पोस्टें यहाँ पर आई थी। और इस बार दोस्तों जो वैकेंसी आई है उनमें क्या पोस्टें हैं वो भी देख लो। तो दोस्तों, इस बार देखा जाए तो जियोग्राफी में 150 पोस्टें हैं और हिस्ट्री में 177 पोस्टें हैं, और पॉलिटी जो साइंस है, पॉलिटिकल साइंस जिसको बोलते हैं, उसमें 181 पोस्टें इस बार आई है। यानी कि दोस्तों, यहाँ पर पिछली बार की जो वैकेंसी थी उससे काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पर अब की बार थी। तो इस बार क्या कट ऑफ रहने वाला है, और दोस्तों इंटरव्यू के लिए कितने गुना कैंडिडेट को यहाँ पर पास किया जाएगा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर जो भूगोल का रिजल्ट है वो आपके सामने आ चुका है, ऑफिशियल रिजल्ट है ये पिछली बार का। दोस्तों, यहाँ पर लगभग 396 कैंडिडेट को ऑफिशियली इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था, जिसमें 48 पोस्टें थी और 8.25 गुना ये कैंडिडेट बनते हैं, यानी कि 396 कैंडिडेट। 2020 का है दोस्तों इंटरव्यू के लिए था। इस बार दोस्तों 2023 में 150 पोस्टें आई हैं, और अगर अपन केवल 8 गुना कैंडिडेट ही पास करें तो लगभग 1200 कैंडिडेट को जो है इस बार इंटरव्यू में पास करने के 100% चांस है। यहाँ पर दोस्तों मैंने 0.25 कम कर दिया है, लेकिन फिर भी 8 गुना का यहाँ पर 1200 कैंडिडेट का जो रिजल्ट है वो आपके सामने निकल करके आएगा। और दोस्तों, अब जो कट ऑफ है उस पर बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जनरल की पिछली बार 113.75 पे जो मेरिट है वो गई थी, इसमें दोस्तों वीडियो की यहाँ पर 86.48 थी, ईडब्ल्यूएस की 113.75 थी यानी कि जनरल के बराबर में, और एससी एसटी में यहाँ पर 112 और 113 थी, तो वहीं ओबीसी में 113 यानी कि जनरल के बराबर। और दोस्तों, यहाँ वीडियो की थोड़ी कम जा रही है, और एमबीसी की भी 113 यानी कि दोस्तों कहा जाए तो यहाँ पर जैसे जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, और ओबीसी और एमबीसी तीनों की बराबर कट ऑफ गई थी। इस बार दोस्तों यहाँ पर भूगोल की जो कट ऑफ है वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर जो है 105 रहने वाला है, ये ज़्यादा से ज़्यादा है, और कम से कम दोस्तों यहाँ पर 95 यानी कि दोस्तों 95 से लेकर 105 यानी कि 95 से लेकर 105 जो तीनों पेपरों में जिनके नंबर बन रहे हैं वो कैंडिडेट इस बार इंटरव्यू का एग्ज़ाम देंगे यानी कि इंटरव्यू देंगे। और दोस्तों, ये जो है आपके सामने जनरल का, ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी का और एमबीसी का, तीनों का, ये चारों का मैं कट ऑफ बता रहा हूँ। और जो एससी एसटी कैंडिडेट है दोस्तों, इनका यहाँ पर जो है 90 से लेकर के 95 यहाँ पर रहने वाला है। तो दोस्तों, ये कट ऑफ आपका इस बार इंटरव्यू के लिए रहेगा, यानी कि जिस कैंडिडेट के 95 से लेकर 105 तक आ रहे हैं वो जो कैंडिडेट है वो अपनी इंटरव्यू की जो तैयारी है वो कर सकता है। अब दोस्तों, जो हिस्ट्री है तो इसका भी ऑफिशियल रिजल्ट आपके पास में है, पिछली बार का है ये। इसमें दोस्तों आपको जो है वो बता दूं कि 407 कैंडिडेट को पहले जो है बुलाया गया था इंटरव्यू के लिए, ऑफिशियली है ये, और दोस्तों 50 पोस्टों के लिए बुलाया गया था, यानी कि 8.14 टाइम्स यानी कि 8.14 गुना यहाँ पर कैंडिडेट को बुलाया गया था। तो दोस्तों, पिछली वाली में 8.25 यानी कि लगभग 8 गुना कैंडिडेट को यहाँ पर पास किया जा रहा है। और दोस्तों, उसी के अकॉर्डिंग इस बार देखें तो 177 पोस्टें यहाँ पर रखी गई है, और 177 पोस्टों के लिए अगर अपन 8 गुना कैंडिडेट को पास करते हैं तो लगभग 1416 कैंडिडेट यहाँ पर इंटरव्यू के लिए पास होते हैं यानी कि हिस्ट्री में। तो दोस्तों, कहने का मतलब है कि इस बार हिस्ट्री में लगभग 1400 के करीब जो कैंडिडेट है वो इंटरव्यू में बुलाए जाएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। और दोस्तों, हिस्ट्री का जो कट ऑफ है पिछली बार वो क्या रहा था, जनरल के लिए 109, वहीं दोस्तों ईडब्ल्यूएस के लिए भी 109 है, तो एससी के लिए यहाँ पर 109, एसटी के लिए भी यहाँ पर 109 है, और ओबीसी के लिए भी 109 और एमबीसी के लिए भी 109। यानी कि दोस्तों, जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी का हिस्ट्री में बराबर का कट ऑफ गया था पिछली बार। और दोस्तों, इसमें जो वीमेन और जो विडो है उन्हीं का थोड़ा कम कट ऑफ गया था, लेकिन दोस्तों इस बार जो कट ऑफ है वो मैं बता दूँ कि इसका जो कट ऑफ है हिस्ट्री का वो आपका 95 से लेकर 100 तक रहने वाला है। यानी कि दोस्तों, इससे ज़्यादा इसका कट ऑफ नहीं जाएगा, क्योंकि इस बार ज़्यादा कैंडिडेट को यहाँ पर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, तो 100 के अंदर ही इस बार हिस्ट्री का कट ऑफ रहने वाला है सभी कैटेगरियों के लिए।
अब दोस्तों ये हिस्ट्री का था। इसके अलावा मैं आपको आगे बता दूं कि जैसे पॉलिटिकल साइंस है, तो दोस्तों पॉलिटिकल साइंस का भी ऑफिशियली कट ऑफ आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। उससे पहले दोस्तों मैं बता दूं कि यहाँ पर कितने कैंडिडेट बुलाए गए थे। तो दोस्तों 571 कैंडिडेटों को यहाँ पर इंटरव्यू के लिए पॉलिटिकल साइंस में जो है RPSC की तरफ से इंटरव्यू में बुलाया गया था। दोस्तों आप देख सकते हो कि 2020 में 57 पोस्टों के लिए 10.01 गुना, यानी कि इसमें ज़्यादा कैंडिडेट पास किए गए, यानी कि दोस्तों पिछले दो का बताया तो उसमें लगभग 8 गुना और इसमें लगभग 10 गुना कैंडिडेट को, यानी कि 2 गुना ज़्यादा कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया है। 57 पोस्टों के लिए 571 कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। दोस्तों ये पहला रिजल्ट है, इसके बाद में भी और रिजल्ट जारी होते रहते हैं, लेकिन ये पहला कट ऑफ है इंटरव्यू के लिए, वो आपके सामने है। और दोस्तों इसमें अब की बार देखा जाए तो 2023 में 181 पोस्टें हैं, और अगर इसको 10 से अपन गुणा करते हैं तो इस बार पॉलिटिकल साइंस में लगभग 1800 के करीब जो है कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए यहाँ पर बुलाया जाएगा। और दोस्तों अगर हम कट ऑफ की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर जनरल का 76.12 यानी कि 76.12% गया था, वहीं EWS का 76.12, SC का भी 76.12 है, तो ST का भी 76.12 है, और OBC का 76.12, तो वहीं MBC का 76.12। दोस्तों आपने देखा होगा कि हिस्ट्री का और पॉलिटिकल साइंस का लगभग इनका जो कट ऑफ है वो सारी कैटेगरियों का बराबर गया है, यानी कि जैसे हिस्ट्री में सभी कैटेगरियों का बराबर है तो उसी तरह पॉलिटिकल साइंस में भी सभी कैटेगरियों का बराबर है। दोस्तों ये तीनों पेपरों का कट ऑफ है, तीनों जो पेपर है उनका जो टोटल मार्क्स है वो मिला करके, यानी कि 200 में से आपका यहाँ पर ये कट ऑफ छोड़ा गया है। और इसमें आप देख सकते हो कि जो विडो कैटेगरी है या वुमेन की कैटेगरी है उनका थोड़ा बहुत कम है, और बाकी कैटेगरियों का यहाँ पर बराबर रहने वाला है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूं कि इस बार ये जो कट ऑफ है लगभग आपका 70 के करीब जो कट ऑफ है वो रहने वाला है सभी कैटेगरियों का। इसमें अगर देखा जाए तो जो SC ST का है वो लगभग 67 से लेकर 68 तक यहाँ पर रह सकता है, और बाकी की कैटेगरियों का 70 तक यहाँ पर कट ऑफ रहने वाला है। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको इस बार जो कैंडिडेट एग्ज़ाम दिए हैं उनकी भी लिस्ट आपको बताई है। और एक चीज़ दोस्तों मैं बता दूं कि जैसे मान लो 100 कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया है तो उनमें से लगभग 60% के पास में जो नेट क्वालिफाई का सर्टिफिकेट है वो नहीं है, यानी कि लगभग 40% ही कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया उनके पास नेट क्वालिफाई है या PhD कर रखा है उन्होंने या GRF क्वालिफाई है, लेकिन 60% कैंडिडेट के पास में ऐसा नहीं है। ये मेरा खुद का निजी अनुमान है, क्योंकि दोस्तों मैंने जब वहाँ एग्ज़ाम दिया था उस समय मैंने कई कैंडिडेट से पूछा था, तो दोस्तों मैंने लगभग 5-6 कैंडिडेट से पूछा तो उनमें से केवल एक ही कैंडिडेट ने ऐसा बताया कि मेरे नेट क्वालिफाई है, बाकी ने नहीं बताया था। और उसी के अनुमान पे मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने काफ़ी जो फ्रेंड वगैरह है उनसे पूछ के ही आपको बताया है। और दोस्तों इसी के अकॉर्डिंग ये जो कट ऑफ है वो इस बार रहने वाला है। तो दोस्तों ये कट ऑफ थे आपके हिस्ट्री के, जियोग्राफी के और पॉलिटिकल साइंस के जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये जो वीडियो वो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।